बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आप सबको आगाह किया कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत हटाई गई एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के तहत। मैंने कौम के सामने मुरासला रखा, मैंने चीफ जस्टिस को वो भिजवाया, पहले स्पीकर को, फिर चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। सबको हमने बताया कि ये मुरासले में वाज़े तौर पे एक बैरूनी मुल्क साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर से साजिश की गई और जिसके अंदर मुलव्वस थे हमारे मुल्क के मीर जाफर और मीर साजिद। पहले में इसको लोगों ने माना नहीं, हमारे बड़े सहाफ़ी थे उन्होंने कहा झूठ है, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इसने कहा ये झूठ है, इनके बाकी अपोजिशन लीडर्स ने बात नहीं मानी। बाद में वो सब साबित हो गए, मुरासला अब सब दूसरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सब मान गए कि ये वाकई मुरासला है। अब आज एक वीडियो निकली है और वीडियो निकली है अमेरिका की दिफाई तज्जिया नगार की, थिंक टैंक की वो लीड करती हैं और डिफेंस की थिंक टैंक, और वो क्या कह रही हैं, वो उन्होंने इसको आगे वजाहत की। उनकी जो आप अगर वो उनकी जो वीडियो देखें तो वो कह क्या रही है, वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन की जंग में, और वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था चाइना से, और वो रूस से तजारत की बात कर रहा था जिससे पाकिस्तान को फायदा होना था। गंदम भी 30% कम पे हमें देने के लिए तैयार थे, तेल भी 30% कम देने पे तैयार थे जिससे लोगों के ऊपर कम बोझ पड़ना था महंगाई का। तो उसने ये वाजे किया कि इसलिए चेंज करके एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाया गया, उसने कहा कि चेंज इसलिए किया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है अब ये इनकी सारी बातें मानेगा, यानी कि बातें क्या मानेगा कि ये पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करेगा अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। सो ये न्यूट्रल भी नहीं रह सकेंगे आप, इनको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, इनको चाइना से भी महदूद करने पड़ेंगे अपने ताल्लुकात, और रूस से कोई तजारत नहीं करेंगे। तो ये एक एजेंडा पे आए हैं, इसको ये कहते हैं साजिश की वजह से इसको ऊपर बिठाया गया एक करप्ट तरीन आदमी को, जिसके खानदान के ऊपर 40 अरब रुपए के केसेस है, जो मैंने कल व्हाइट पेपर दिया है, नैब के अंदर केसेस है, इनके एफआई में केसेस है और कन्विक्शंस भी हो चुकी हैं इस 40 अरब में। इनको इसलिए लाया गया कि अब ये सारी इनकी बातें मानेंगे और बातें मानेंगे पाकिस्तान के हमारे मफादात के खिलाफ, जिस तरह के वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने उस पर शिरकत की जब अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका की जंग में हमने शिरकत करके 80,000 अपने लोगों को कुर्बान किया, मुल्क की तबाही की, कबायली इलाके की तबाही की, हमें 400 ड्रोन अटैक करवाए अपने लोगों पे, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ वो सब आप जानते हैं, लेकिन हमने सारा किया किसी और मुल्क के फ़ायदे के लिए। हम फिर उस तरफ जा रहे हैं और इसीलिए ये रिजीम चेंज की गई थी। मैंने जिस तरह मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा हुआ है, मैंने प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। अगर हमने इस वक्त इस साजिश को एक्सपोज ना किया, इसमें पूरी एक कमीशन, एक ओपन हेयरिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओपन हेयरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कमीशन की। अगर हमने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क की मफादात की हिफाजत नहीं करेगा, वो अपने मुल्क को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करेगा। इसलिए मैंने इनको कहा है कि बहुत ज़रूरी है, और मैं ये भी आपको कह दूं कि जब ये तहकीकात होंगी, मैं आपको ये पूरे एतमाद से कहना चाहता हूं कि पता चलेगा किन किन लोगों ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ। ये जो इस हुकूमत ने और ये माफिया लेड हुकूमत, जिस तरह की इन्होंने शर्मनाक केसेस बनाया हमारे ऊपर ब्लास्फेमी पे, शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे केस बना के। असल में केस बनने चाहिए इन लोगों के ऊपर गद्दारी के,
जो इन्होंने इस मुल्क से गद्दारी की है। आज मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, चांद रात है, आपने बाहर निकलना है, झंडे पकड़ के बाहर निकलना है, आपने पैगाम देना है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी कि हम हकीकी आजादी चाहते हैं, हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं, गुलामी नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आपने सबने पाकिस्तान के लिए निकलना है, मेरे लिए नहीं निकलना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए निकलना है, एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए निकलना है। और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि ये कौम किसी की गुलामी सिवाय अल्लाह के किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। Weapons. I got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right, Pakistan needs to support Ukraine. Stop looking for deals with Russia right now. Limit their involvement with China. Okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the